अरवल जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीराम शर्मा ने जिला के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 12 मई को लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालकर एक मजबूत लोकतंत्र बनाने की नींव में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। इस कड़ी में कैंप स्थित उपायुक्त कार्यालय में मूकबधिर लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि पलवल जिले में लगभग 1,100 के करीब मूकबधिर लोग हैं। मूकबधिर लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। इस कड़ी में आज कैंप कार्यालय स्थित मूकबधिर लोगों को साइन भाषा के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि मूकबधिर व्यक्ति मतदान प्रक्रिया में कम भाग लेते हैं, लेकिन पहली बार मूकबधिर व्यक्तियों को भी लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी देने के लिए जागरूक किया गया है। पलवल जिले में मूकबधिर व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ मतदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी मतदाताओं से अपील की गई कि वे मतदान केंद्र पर शांति बनाए रखें तथा मतदान के दौरान सभी नियमों का पालन करें। यदि मतदान केंद्र पर कोई बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिला आदि पहुंचते हैं तो उन्हें मतदान करने का अवसर पहले प्रदान किया जाए। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। मतदान केंद्रों की लोकेशन मतदाता स्लिप पर दी गई है। इसके उपरांत भी यदि किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र की लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता है तो वह अपने सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके पता कर सकता है। आज क्या है कि और हमारे यहाँ पर जो चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं लोकसभा चुनाव की, उसके लिए कल 12 मई को सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक मतदान किया जाना है। मैं देख रहा हूँ कि समाज के बाकी वर्गों की तरह हमारे दिव्यांग भाइयों में भी कल मतदान करने के लिए बहुत जोश है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनको बुला करके उनको और अधिक उत्साहित किया जाए कि वो ना केवल अपना वोट दें बल्कि अपने परिवार का और अपने मित्रों से भी वोट डलवाएँ, कि ये भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अन्य सभी व्यक्तियों की तरह बढ़ चढ़ कर अपना भाग लें। आज इनको हमने जो एक खुद एक मूकबधिर भैया था हमारा, जो खुद बहुत अच्छी तरह और इशारों की भाषा समझता है, साइन लैंग्वेज समझता है, उसने इस इशारों की भाषा में, इस साइन लैंग्वेज में ही हमारे बाकी सभी अन्य मूकबधिर भाइयों को और वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसे मूकबधिर हमारे ज़िले में लगभग 1100 के लगभग हैं हमारे बच्चे, बच्चों को मिलाकर के भी।